लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाए लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। इस बरसात में अगर तेज बारिश नहीं हुई तो यहाँ हो सकती है बड़ी दिक्कत। शहडोल 3 सालों से पानी की बारिश कम होने के कारण बांधों का पूरा भराव नहीं हो पा रहा है, जिससे जहाँ किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, वहीं आम निस्तार के लिए भी ग्रामीणों को गर्मी के दिनों में पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। जहां बांधों में 80 MCM पानी का भराव होना चाहिए, वहीं सितंबर महीने तक जिले के 72 बांधों में 22 MCM ही पानी का भराव दर्ज किया गया था, जिसमें से सिंचाई विभाग ने 10 MCM पानी की किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए दिया और लगभग 12 MCM पानी रिजर्व रखा था। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि जिले के मिठौरी बांध को छोड़कर शेष बचे 72 बांधों में सिर्फ 5 से 10 MCM पानी ही शेष बचा है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों की माने तो अगर इस साल बारिश के दिनों में तेज बारिश नहीं हुई और बांधों में पानी का भराव 80 MCM से ज्यादा दर्ज नहीं किया गया तो आने वाले साल में भी फसलों की सिंचाई के लिए किसानों को पानी मिलना आसान नहीं होगा। इस समस्या को लेकर सिंचाई विभाग का अमला अभी से परेशान दिखाई दे रहा है। जिले के सभी बांध पहुंचे लोएस्ट सिल लेवल में। बीते 3 सालों से कम बारिश होने के कारण जिले के 72 बांध एसएलएल यानी कि लोएस्ट सिल लेवल पर पहुंच गए हैं। मिठौरी बांध का पानी नगर में पीने के पानी की सप्लाई के लिए रिजर्व में रखा गया है, जिससे किसी भी आपातकाल स्थिति में नपा को नगर में पीने के पानी की सप्लाई के लिए पानी दिया जा सके। बताया गया है कि सिर्फ 10 बांध ही जिले में ऐसे हैं जिनमें 10 MCM पानी शेष बचा है। शेष बांधों में कहीं 7, 8, 6, 5 MCM पानी शेष रह गया है। इस तरह अगर हालात ऐसे ही आने वाले दिनों में रहे तो पानी की समस्या से किसानों को जूझना होगा और फसलों की सिंचाई के लिए पानी मिलना मुश्किल होगा। एसएसएल लेवल पर बांध सिंचाई विभाग शहडोल के कार्यपालन यंत्री डीआर आगरे के मुताबिक मिठौरी बांध को छोड़कर शेष 72 बांध लोएस्ट सिल लेवल में पहुंच गए हैं। कम बारिश के कारण 3 सालों से बांधों में पर्याप्त पानी का भराव नहीं हो पा रहा है। 80 MCM की जगह बांधों में 10 से 5 MCM पानी ही बचा है। अगर आने वाले दिनों में बारिश कम हुई और बांधों का भराव नहीं होगा तो सिंचाई के लिए पानी मिलना मुश्किल होगा।